बोलिए विष्णु भगवान की जय। चैत्र माह कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पाप मोचनी एकादशी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधानता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे आज किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधानता को बतलाया वही मैं तुमसे आज कह रहा हूँ। राजा मानधानता ने धर्म के गुप्तमय रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है, कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि थे, तपस्या में लीन रहते थे, वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर सुर में गान करने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतन्निचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर बाड़ी से बीड़ा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली
दुष्ट तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप देते ही वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस साप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गिलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिता श्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।